Wednesday mornings with my seniors. As a classwork, I was explaining and telling them the story of Bhanti and Vachaspati Mishra. And they all participated that how much we can take a creative liberty or freedom on the name of freedom of expression, and I was talking what's allowed in Indian tradition. And together, they were giving their ideas and they all inspired me to write this play. If it would not be for that class, this play wouldn't be written. So I'm very, very thankful to all the seniors of my class. Thank you.
व्यापार। आप पानी पिए? कौन? भावती। भावती, क्या अर्थ है तुम्हारे नाम का? मेरे नाम का अर्थ जो सदैव भक्ति में लीन हो वही है भांति। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कोई मुझे भी तो बताओ, क्या सुख मिलता है तुम्हें? भला ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर जब पूजा पाठ करती हूं और ईश्वर की आराधना करती हूं तो यही प्रेरणा मिलती है कि इस घर के सभी प्राणियों को ब्रह्म स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूं। कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे सरल मार्ग जो है, और वैसे भी जब आचार्य वाचस्पति शंकर भाष्य पर अपनी व्याख्या लिखेंगे तो अर्थांगिनी होने के नाते ब्रह्म ज्ञान मुझे भी तो मिलेगा। बहुत विलक्षण बुद्धि है तुम्हारी। बुद्धि में तो अहंकार जन्म लेता है, इसलिए ईश्वर मुझे भूमि के समान अपार ठहरेंगे, तभी मेरा नाम सार्थक होगा, भौमावती यानी भावती। पिताजी को दिया हुआ वचन याद है ना? मेरे गुरु आचार्य त्रिलोचन ने अपनी मृत्यु से कुछ पल पहले दो वचन लिए, एक भावती से विवाह यानी कि तुम उनकी पुत्री, और दूसरा वचन शंकर भाष्य की व्याख्या। आदि शंकराचार्य के भाष्य में वेदों और उपनिषदों का सार है, उसका सही सही टीका विवरण करना कोई सरल कार्य नहीं, पूर्ण जीवन की आहुति देनी होगी। जीव जगत और ईश्वर के इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए मेरा मन प्रतिपल लालायित रहता है, परंतु ये गृहस्थ जीवन नहीं। नहीं, एक पुत्री के लिए पिता की इच्छा सर्वोपरि है। कुछ सोचकर ही उन्होंने मेरा हाथ तुम्हें सौंपा होगा। पति की सेवा में मेरा जीवन जाए तो धन्यवाद होंगे। मैं आपके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनूंगी, कोई कंदर ना बनूंगी। मैं वेदांत दर्शन की प्रत्येक शाखा के विषय में लिखना चाहता हूं, ऐसा न कर पाने से मुझे गुजन सी होती है। जाइए, प्रत्येक दिन की तरह नीम के वृक्ष के नीचे बैठ वेद मंत्रों का उच्चारण कीजिए, प्रकृति के मध्य में शांत मन से कार्य प्रणाली निश्चित कीजिए। मैं भोजन की व्यवस्था करती हूं। हस्तो सर्गमय तम सोम पूर्व अमृतम गमय। Thank you.
Thank you.
जीवो प्रमेय बनाता ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नाता ब्रह्म सत्य है जीवन मिथ्या जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। स्वामी स्वामी कहीं आप स्वप्न में तो नहीं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नाता ब्रह्म परम सत्य है ब्रह्म अनंत है ब्रह्म निराकार है ब्रह्म विभू व्यापक है ब्रह्म अविनाशी है ब्रह्म अखंड है ब्रह्म अनादि है ब्रह्म निर्गुण है असीमित है परिपूर्ण है अनिर्वचनीय है ब्रह्म सत्त चित्त आनंद है एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। आपने कहा जगत मिथ्या है परंतु वो तो हमें दिखाई दे रहा है माया के कारण। माया क्या है? माया क्या है? ब्रह्म की रचना शक्ति है माया। माया बंधन का कारण है। यहां हर कोई माया के वश में है। माया ना तो सत्य है ना असत्य। अब समझ आया। जैसे कोई स्वप्न है और जब तक स्वप्न है तब तक वही सत्य है। सत्य मिथ्या के आवरण में छुपा है। जैसे जैसे ये मेरे कंगन और ये कुंडल परंतु उसको बनाने वाले सुनार के लिए ये केवल स्वर्ण स्वर्ण जिसे पिघलाकर गले का हार बनाया जा सकता है और अंगूठी भी शायद माया के प्रभाव में हम वास्तविक स्वरूप ही भूल जाते हैं। मुझे भी लोग एक पल को लगता है कि ये मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। अगले ही क्षण ऐसा लगता है कि ये तो जानते भी नहीं कि कोई इनके आसपास है। क्या मैं किसी योग निद्रा में हूं? कल्पना के माया लोक में स्वाधीन हूं परंतु सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए पराधीन।
दिन ढलते थे। तत्पश्चात महीने बीतने लगे और अब कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। इनकी लेखनी चलती ही जा रही है। क्या उनकी अमृत धारा में क्या कुछ रह गया, क्या है पता। परंतु मेरे मन में जो भी प्रश्न होता है ये तुरंत उसका उत्तर देते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन का गोपनीय रहस्य जानते हैं, भला मेरे मन को क्यों ना समझे। बात करते हैं शून्य में, ये मौन कितना मधुर है। विश्वास नहीं होता, कुछ दिन पहले की ही बात है। नदी किनारे तेज गति से इधर से उधर, उधर से इधर मैं उनके पीछे भागी। फिर वो बैठे और मिट्टी में कुछ लिखा। इससे पहले बालों की रेत में लिखे को कोई लहर आके मिटा दे। मैंने तार पर्ण पर अपने नख से उसे तुरंत अनुकृत किया। क्या लिखा था? हाँ याद आया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत दर्शन क्या है ये जानने की अभिलाषा सभी रखते हैं। पहले स्वाध्याय का महत्व तो जानो। स्वाध्याय वेदांत दर्शन का प्रमुख नियम। स्वाध्याय अपने ग्रंथों का अध्ययन। स्वाध्याय चरित्र निर्माण की दिशा है। स्वाध्याय श्रवण तथा मनन। स्वाध्याय आत्मचिंतन भी। स्वाध्याय बंधनों से मुक्ति का मार्ग ही स्वाध्याय। परंतु इसके लिए नैतिक शक्तियों की आवश्यकता है। छह नैतिक शक्तियां, शम इंद्रियों पर नियंत्रण, दम मन पर संयम, उपरीति कामनाओं का त्याग, तितिक्षा परिवर्तन का परिग्रह, समाधान संतुलित स्वभाव, मुमुक्षुत्व मोक्ष की अभिलाषा। जीव मोक्ष पाना चाहता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ये भी जानता है कि वो स्वयं ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही बाहर है, ब्रह्म ही भीतर है। यही एकाकार की स्थिति मोक्ष है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म ही मूल स्रोत है, ब्रह्म ही आधार स्थल और ब्रह्म ही गंतव्य। ये क्या हुआ? दीपक कैसे बुझ गया? स्याही समाप्त हो गई, आपका ध्यान भंग हो गया। मैं आपकी अपराधी। तुम कौन हो और मेरे समीप क्या कर रही हो? आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी पत्नी, दिन रात आपकी सेवा कर रही थी।
ताकि आप ब्रह्म सूत्र पर अपना महान कार्य शंकर भाष्य पर मेरी व्याख्या पूर्ण होगी। मुझे कुछ स्मरण नहीं। ऐसा मत कहिए स्वामी, इन हाथों के स्पर्श को पहचानता हूं मैं। दिया जलाते हुए, भोजन परोसते हुए, मेरी पुस्तकों को व्यवस्थित करते हुए, चरण सेवा करते हुए मैं इन कोमल हाथों से भली भांति परिचित हूं। तुम सुंदरता, धैर्य और पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा हो। मेरा मन विचलित हो रहा है। अपराधी तुम मैं हूं जो इतने वर्षों तुम्हारी सुध ली और अपने कार्य में व्यस्त रहा, परंतु अब मैंने संन्यास का प्रण ले लिया है। मैं आपके मार्ग में कभी बाधा न होंगी। आपकी उन्नति में ही मेरी उन्नति है। मैंने आपके पास रहकर जीवन का सार समझा। प्रेम का एक रूप त्याग है। आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य कब बन गया पता है ना। चला मैं अपने कर्तव्य पथ पर इतना आगे निकल गया कि अतीत के पन्ने पलट ही नहीं पा रहा। देव, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है भावती। हाँ, अब याद आया, भावती सुंदर, अति सुंदर। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। एक सेवा और, थोड़ी स्याही तो लगा जी। अभी लाइए। मेरे जीवन की सबसे सुंदर कृति इस महान काव्य का शीर्षक लिखना अभी बाकी है। इस पुस्तक का नाम है भामती। जब जब वाचस्पति मिश्र के कार्य को सराहा जाएगा, निश्चल प्रेम की प्रतीक भांति को सदैव याद रखा जाएगा। नमस्तस्य 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 नमः।
याद रखें।